हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी मूवी है फ्री गाय। मूवी की शुरुआत में हमें फ्री सिटी नाम का एक शहर दिखाया जाता है। उसके अंदर सड़क पर गोलियां चलना, बैंक लूटी जाना और कभी भी किसी का मारा जाना एक आम सी बात थी। उन सभी लोगों की जिंदगी डेली रूटीन से बंधी होती है, जैसे कि टाइम पर उठना, एक ही तरह के कपड़े पहनना और एक ही तरह के बोल बोलना। वहीं फिर हम गाय नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपने बेड से उठता है और अपनी गोल्ड फिश को गुड मॉर्निंग कहकर अपने कपड़े पहनता है और कॉफी शॉप पर जाकर कॉफी ऑर्डर करता है। फिर वो अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, क्योंकि उसे एक अलग तरह के जूते लेने थे जिनके लिए वो पैसे इकट्ठे करता था। वो एक बैंक में नौकरी करता है और वो बैंक की तरफ जाने लगता है, जहां रास्ते में उसे उसका दोस्त बड़ी मिलता है, जो उसी बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर है। वो भी आता है और गाय को ज्वाइन करता है। वह दोनों बातें करने लगते हैं और बैंक में आ जाते हैं, जहां अचानक एक रॉबर आकर उनकी बैंक को लूटने लगता है। लेकिन गाय और बड़ी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनके लिए यह कोई आम बात हो। वो दोनों नीचे झुककर फिर बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम मोलोटोव होता है, जो एक सुनसान सड़क पर एक आदमी से मिलती है और उससे एक तरह की वीडियो क्लिप लेती है और वीडियो क्लिप हासिल करने के बाद तुरंत उस आदमी को मार डालती है। वहीं बैंक में रोबरी हो जाने के बाद गाय बड़ी के साथ बाहर जाने लगता है, जहां रास्ते में उसे मोलोटोव दिखाई देती है और उसे देखते ही वो गाय के दिल में बस जाती है और गाय उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी उसे रोकता है। बड़ी कहता है, ई लड़की ने गोगल पहन रखा बा, गोगल पहन वाल अमीर होवत वा और वो बगैर गोगल वाल लोगन से बात नहीं करत बा। लेकिन गाय फिर भी उसके पीछे चला जाता है, परंतु तभी एक ट्रेन आती है और गाय को कुचल जाती है, जिससे गाय की वही मृत्यु हो जाती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम मिली है, और यहाँ से हमें यह पता चलता है कि वह लड़की असल में असली दुनिया की एक प्लेयर थी, जो उस गेम को खेल रही थी। ये एक ऑनलाइन गेम है जिसका नाम फ्री सिटी है, जिसको बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं। यह एक ओपन वर्ल्ड गेम है, जहां गेम के अंदर अलग अलग मिशंस करने होते हैं। वह लड़की तो एक असली दुनिया की प्लेयर थी, जो गेम के अंदर अपना कैरेक्टर बनाकर खेल रही थी, लेकिन गाय इस गेम के अंदर का बैकग्राउंड कैरेक्टर है, जिसे गेम डेवलपर्स ने डिजाइन किया था। असल में मिली गेम इसलिए खेल रही थी क्योंकि वह गेम के अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और वो क्या ढूंढ रही है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं फिर हम गाय को देखते हैं और इस बार वो कुछ बदला सा था। वह हमेशा अपने दिल्ली के रूटीन को फॉलो करता है, लेकिन इस बार वह कॉफी शॉप के अंदर जाकर कॉफी की जगह कैपेचिनो मांगता है। यह सुनकर बाकी सभी एनपीसी कैरेक्टर्स उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले किसी भी एनपीसी ने अपनी प्रोग्रामिंग से अलग बर्ताव नहीं किया था। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि लगता है आज कोई गोली खाने वाला है, जो सुनकर गाय तुरंत अपनी बात बदलता है और जोकिंग कहकर बात खत्म करके वहां से बाहर निकल जाता है। और उसे महसूस होने लगता है कि यहाँ सब एक जैसा रूटीन ही क्यों फॉलो करते हैं। फिर वह बैंक में जाता है, जहाँ पर फिर से रोबरी होने लगती है, और इस बार गाय रोबर के पास सनग्लासेस देखता है, तो वो उससे उन सनग्लासेस को लेने की कोशिश करता है। वह रोबर के पास जाकर सनग्लासेस मांगता है, जिस पर वो रोबर उसे बहुत मारता है, लेकिन गाय वो सनग्लासेस ले लेता है और हाथापाई में रोबर को गोली लग जाती है और वो वही मर जाता है। अब गाय गोगल पहन बाहर निकलता है और उसे यह सारी दुनिया एक गेम की तरह दिखाई देती है, जहां उसे एक हेल्थ बॉक्स दिखाई देता है, जिसको वह ले लेता है और तुरंत ही उसकी हेल्थ फुल हो जाती है। वह फिर एक लाश के ऊपर पैसे देखता है, जिसको भी वह ले लेता है, और एटीएम में चेक करने के बाद वह अपने आप की संपत्ति को बढ़ा हुआ पाता है। फिर हमें रियल लाइफ में गेम को बनाने वाली कंपनी के अंदर दो इंजीनियर को दिखाते हैं, जो गाय को देखते हैं और वह गेम के अंदर आकर गाय को उसकी स्किन को लुच करने को कहते हैं। गाय पूछता भी है कि मैं अपनी स्किन को भला कैसे लूज करूं, लेकिन वह लोग फिर भी उससे उसकी स्किन को लूज करवाना चाहते थे, और इसके लिए जब गाय उनकी बात नहीं मानता तो वो उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। गाय उनसे डरकर भागता है और एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर छुप जाता है। उसके पास क्योंकि बहुत पैसे आ चुके थे, इसलिए उसने अपने लिए वो जूते खरीद दिए थे और वो ऊंची छलांग मार पा रहा था, परंतु गाय बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन नीचे गिरते समय गाय अपने आसपास एक गुब्बारा बनाकर बच जाता है, किंतु इंजीनियर गाय को कार से ठोक डालते हैं। इन इंजीनियरों का नाम कीस और मौसर है। कीस मोल्डोव का ही दोस्त है और उसी ने इस गेम को बनाने में काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। असल में यह गेम कीस और मोल्डोव ने बनाया था, लेकिन यह गेम एंटोन ने उनसे छीन लिया। एंटोन इस गेम कंपनी का ओनर है और उन्हीं की गेम पर अपना एक अलग गेम बना दिया और सारे राइट्स और रॉयल्टी अपने नाम कर लिए और उनके असली क्रिएटर्स को कुछ भी नहीं दिया।
और मोलोटोव अपने राइट्स वापस लेना चाहती थी, इसलिए वह गेम के अंदर अपने बनाए हुए गेम को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसका बनाया गेम उसी गेम के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। अगर वह अपने गेम को ढूंढ लेती है तो वह एंटोन के इस कांड का पर्दाफाश कर सकती है। इस कारण मोलोटोव फिर से गेम के अंदर जाती है, जहां अब वो एक सिक्योर बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। उसे लगता है कि बिल्डिंग में शायद वह वीडियो क्लिप हो सकता था जिसे वह ढूंढ रही थी, इसलिए वो वहां जाना चाहती है। लेकिन तभी उसके पास गाय आ जाता है। गाय उसके साथ बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुमसे कल मिलना चाह रहा था। लेकिन तभी उनको वह गार्ड्स देख लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, परंतु मोलोटोव एक पोर्टल खोलती है जिसमें से वह दोनों किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। मोलोटोव अपने बेस पर आती है जहां पर उसने अपने सभी बाइक और वेपन रखे हुए थे। इन सब चीजों को देखकर गाय चौंक जाता है, लेकिन मोलोटोव को लगता है कि यह कोई न्यू प्लेयर है। गाय उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो मोलोटोव कहती है कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हें अपने लेवल बढ़ाने होंगे, और वह गाय को उसके लेवल दिखाती है जो कि सिर्फ एक था। तो गाय पूछता है कि लेवल कैसे बढ़ाएं, तो मोलोटोव बताती है कि यह फ्री सिटी है, इसमें हमें कुछ मिशन पूरे करने होते हैं और अपने लेवल बढ़ाने होते हैं, और साथ ही हम धूम धड़ाका और खून खराबा करके भी लेवल बढ़ा सकते हैं। परंतु गाय कहता है कि मुझे किसी को मारना पसंद नहीं है। मोलोटोव यह सुनकर हैरान हो जाती है और वह कहती है कि तुम अच्छे काम करके भी लेवल बढ़ा सकते हो, जिसके बाद गाय को एक टारगेट मिल जाता है कि उसे अपने लेवल इंक्रीज करने हैं। वह उन गॉगल्स को पहन मिशन पूरा करने के लिए मिशन ढूंढने लगता है और अब दूसरे प्लेयर्स के साथ फाइट करके अपने मिशन कम्प्लीट करने लगता है। वो बहुत बार आउट होता है और हमेशा जिंदा होकर मिशन कम्प्लीट करता है। उसके पास बहुत पैसे आने लगे थे, लेकिन पैसे कमाने के लिए गाय एक और आइडिया सोचता है। जो हाई लेवल प्लेयर थे उन्हें मारता है और लोगों को लूटने से बचाता है, जिस वजह से उसके लेवल बहुत ही जल्दी इंक्रीज होने लगते हैं। और रियल लाइफ में सब गेम्स और स्ट्रीमर्स उसे देखकर बहुत हैरान होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह कोई रियल प्लेयर है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा था, जिस कारण वह सभी उसके फैन होने लगे थे। और उसका कोई रियल नाम ना होने की वजह से सब उसे ब्लू शर्ट गाय के नाम से जाने लगे हैं। फिर एक दिन गाय बैंक में रॉबरी के टाइम पर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और बड़ी उसे देखकर उसके नए स्टाइल पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इससे पहले किसी बिना सनग्लासेस वाले व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया था। गाय बड़ी को अब तक की अपनी सारी कहानी सुनाता है और सबसे पहले रॉबर के गॉगल छीनकर उसे भगा देता है और उसके पास खड़ी लड़की से कहता है कि तुम्हें किसी अच्छे इंसान के साथ रहना चाहिए, जिस पर वह लड़की कहती है कि वह असल में किसी के साथ रहना नहीं चाहती है। अब गाय बड़ी को उन सनग्लासेस को पहनने के लिए कहता है, लेकिन बड़ी उसे मना कर देता है। रियल वर्ल्ड के अंदर हम कीज को देखते हैं, जिसे मीली का मैसेज आता है और वह उसे कहती है कि मुझे हमारा कोड मिल गया है और शायद वह जरूर उसी बिल्डिंग के अंदर है। यह कोड वही है जिसे कीस और मोलोटोव ने अपने गेम में यूज किया था और जिसे एंटोन ने चुरा लिया था। अब वह अपने गेम के अंदर स्टेस हाउस में जाती है, जहां उसे कोड तो नहीं पर उसकी बनाई हुई गेम की वीडियो क्लिप मिलती है। अब यह सबूत एंटोन के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत हो सकता था, लेकिन तभी वहां के गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद गाय की एंट्री होती है। वो उन सब गार्ड को मारकर वहां से मोलोटोव को लेकर बाहर निकल जाता है, किंतु दुर्भाग्य से उनका वह सबूत वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में एंटोन फ्री सिटी 2 को लॉन्च करने के लिए कहता है और कीस को यह पता चल जाता है कि फ्री सिटी 2 कोई अपडेट नहीं है बल्कि एक रिप्लेसमेंट है, जिसके बाद फ्री सिटी के सारे कैरेक्टर्स की जगह पर नए कैरेक्टर्स आएंगे। यह जानकर कीस को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसकी यह गेम इतनी फेमस होने के बाद भी बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ गेम में अब वह दोनों गाय के घर पर आते हैं, जहां पर मोलोटोव के घर से भी ज्यादा आलीशान चीजें वहां पर रखी हुई थी। यह सब देखकर मोलोटोव गाय को कहती कि क्या तुम कोई हैकर हो, और अगर नहीं तो यह सब तुमने इतना जल्दी कैसे किया, और तुम रियल वर्ल्ड में भी इतने फेमस हो चुके हो। लेकिन गाय को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सिटी ही रियल सिटी है। फिर गाय मोलोटोव को अपने साथ घूमने के लिए कहता है और वह दोनों एक आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं, जहां पर वह बबलगम आइसक्रीम को ऑर्डर करता है। और यह हैरानी की बात थी कि यह फ्लेवर मोलोटोव को भी बहुत पसंद था। फिर वह बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद गाय मोलोटोव को किस करने के लिए कहता है, और फिर मोलोटोव ऑफलाइन जाने लगती है और जाते जाते वह उसे अपना नाम मिली बताती है, जिसके बाद गाय उसे अपना रियल नाम गाय ही बताता है। दूसरी तरफ ऑफिस में कीस को पता चल जाता है कि यह ब्लू शर्ट और कोई नहीं बल्कि एक NPC है। यह जानकर वह बहुत खुश होता है और मोलोटोव को बताने के लिए उसके घर पर आता है। दरअसल उन दोनों ने एक कोड और बनाया था, जिससे कि NPC भी सोचने की क्षमता रख सकते हैं।
लेकिन उन्हें लगा था कि उनका यह कोड क्रैश हो गया था, मगर वह काम पर गया था जिसका एक नतीजा गाय है। लेकिन कीज बताता है कि हमारी मेहनत पर पानी फिरने वाला है, इसका गेम का एक रिप्लेसमेंट लाया जा रहा है, यानी वह गेम और उसके सारे कैरेक्टर्स गायब हो जाएंगे। यह सुनकर मोलोटोव बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि वह गाय को पसंद करने लगी थी और वो उस रिप्लेसमेंट के बाद गेम के अंदर से गायब यानी खत्म होने वाला था। वह यह जानकर दुखी हो जाती है क्योंकि गाय अपनी फीलिंग वाला एक जिंदा इंसान जैसा था। फिर वह गाय से मिलने के लिए गेम में जाती है और उसे सब समझाने की कोशिश करती है कि यह तुम्हारी दुनिया एक गेम है और तुम इस गेम के NPC कैरेक्टर हो और मैं एक रियल वर्ल्ड की प्लेयर हूँ, लेकिन गाय को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वह उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सारे प्लेयर ऑनलाइन आते थे, जिसके बाद गाय को सब समझ में आता है कि वह इस गेम का बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसे सिर्फ मार खाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुनने के बाद गाय अंदर से बिल्कुल टूट जाता है कि वो जिस दुनिया को जी रहा है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह सब झूठा है, और वह दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मोलोटोव उसे जाकर बताती है कि तुम्हारी दुनिया का रिप्लेसमेंट जल्द ही आने वाला है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है अपनी दुनिया को बचाने के लिए। गाय उसे कहता है कि मेरी दुनिया एकदम बोरिंग हो रखी थी, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें देखा और जब से मेरी लाइफ में कुछ नया और कुछ दिलचस्प हुआ, मैंने अपनी लाइफ शुरू कर दी और तुम मुझे यह कह रही हो कि तुम असली हो और मैं नकली। फिर गाय उदास होकर फ्री सिटी के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंड्री पर पहुंचने के बाद और दूर नहीं जा पाता। वह उदास होकर वापस आ जाता है और सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर यह बताने लगता है कि तुम सब फेक हो, ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, ये सड़क और तो और ये दुनिया भी फेक है। तभी एक गाड़ी आती है और गाय को टक्कर मारकर गिरा देती है। फिर गाय अपने दोस्त बड़ी के पास जाता है और कहता है कि क्या हो अगर तुम्हें यह पता चले कि तुम फेक हो, जिस पर बड़ी अब खुश होते हुए कहता है कि हो सकता है कि हम सब फेक हो, लेकिन इस मोमेंट पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा यह मोमेंट असली है। गाय को मोटिवेशन मिलता है और वह 2 दिन बाद खत्म होने वाली अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करता है। फिर वह बड़ी से पूछता है कि क्या सारे गार्ड तुम्हारे दोस्त हैं, जिस पर बड़ी कहता है कि हाँ। फिर वह बड़ी के साथ उस सेफ बेस पर जाता है जहां वह गार्ड से वही प्रूफ वाली वीडियो मांगता है। वह गार्ड असल में रियल वर्ल्ड का एक प्लेयर होता है और ब्लू शर्ट गाय का काफी बड़ा फैन होता है, जिस कारण वह उसे वह वीडियो दे देता है। गाय मोलोटोव के पास जाता है और उसे यह वीडियो टेप देता है। वह वीडियो टेप को प्ले करती है और उसमें उन्हें एक लोकेशन दिखाई दे रही थी जो कि मोलोटोव की गेम की सीनरी थी। गाय लोकेशन को देखता है और ये जगह उसे जानी पहचानी सी लगती है। वह कहता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं कहां देखा है। वही रियल वर्ल्ड के अंदर सभी को पता चल जाता है कि गाय एक NPC कैरेक्टर है और सभी गाय की तारीफ करने लगते हैं, परंतु एंटोन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि अब अगर यह गाय और ज्यादा फेमस हुआ तो उसके बाद उसका वो अपडेट कोई नहीं खरीदेगा। अब वो गेम का सर्वर डाउन करके गेम को रिबूट करवा देता है, जिससे तुरंत फ्री सिटी फिर से रीस्टार्ट हो जाती है और इस बार गाय की पुरानी सारी मेमोरीज वाइप आउट हो जाती है और अब गाय बाकी NPC कैरेक्टर्स की तरह एक नॉर्मल NPC बन गया था। वो फिर से अपने डेली रूटीन की तरह गोल्ड फिश से बात करता है, कपड़े पहनता है, कॉफी पीने जाता है। वहीं फिर मिली सर्वर ऑन हो जाने के बाद गेम के अंदर जाती है जहां गाय से मिलकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गाय को कुछ भी याद नहीं होता। मोलोटोव समझ की उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, वो तुरंत गाय को किस करती है जिसके कारण गाय की सारी मेमोरी वापस आ जाती है और गाय उसे लेकर अपने घर जाता है जहां वो अपनी खिड़की की रिफ्लेक्शन दिखाता था जो कि समंदर के उस तरफ से आ रही थी जिसमें वही नक्शा था। अब एंटोन ने सीनरी को तो छुपा दिया लेकिन वो उसके रिफ्लेक्शन मिटाना भूल गया। अब उन दोनों के पास एंटोन के खिलाफ काफी ताड़ा सबूत था, लेकिन इसको कलेक्ट करने के लिए उन्हें फ्री सिटी के नक्शे से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन गाय कहता है कि वो वहां नहीं जा सकते हैं। परंतु मोलोटोव अब सीधे कीज को फोन लगाकर उससे हेल्प मांगते हैं। फिर गाय और मोलोटोव जाकर सारे NPC को इकट्ठा करके उनको मोटिवेट करते हैं और कहता है कि अब हम वो डेली रूटीन वाली बोरिंग और लाइफ नहीं जिएंगे, हम अपने तरीके से लाइफ जिया करेंगे। फिर वह उन सबको मोलोटोव के बारे में बताता है कि इसकी दुनिया में कभी कोई साल में एक बैंक लूटा होगा और कभी कोई इंसान मरता होगा एक्सीडेंट वगैरह में, हम भी अपनी ऐसी दुनिया बना सकते हैं। सब लोग धीरे धीरे उसकी बातों से प्रभावित होने लगते हैं और फिर गाय एक आदमी को अपने पास बुलाता है जिसके हाथ हमेशा ऊपर होते थे क्योंकि उसका प्रोग्राम ही ऐसा हुआ था। गाय उसके हाथ धीरे धीरे नीचे करवाता है। यह देखकर सभी बहुत शॉक हो जाते हैं और अब सभी गाय का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं।
दूसरी तरफ ऑनलाइन प्लेयर्स शहर में NPCs को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं मिलता। पूरा शहर खाली हो चुका था और अब रियल वर्ल्ड में सभी गेमर्स को यह समझ आ चुका था कि इन सभी NPCs को भी जीने का हक मिलना चाहिए। और एंटोन को पब्लिक रिएक्शन देखकर अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी थी और वह मोलोटोव गर्ल के रियल प्लेयर का पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसे मिली के बारे में पता चल जाता है कि इस सब के पीछे उसका हाथ है। और फिर उसे यह भी पता चल जाता है कि उनके साथ कीज भी मिला हुआ था, जो कि एक पुल बनाकर उन्हें समुद्र के दूसरी साइड उस जगह पर जाने में मदद कर रहा था। इस जगह को मिली और कीस ने मिलकर बनाया था। अब एंटोन कीस से मिलता है और उसे यह सब करने से रोकता है, लेकिन कीस एक कोड एंटर करता है और एक पुल बनना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वह पुल बनकर रेडी हो जाता है। अब एंटोन को दूसरा और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो वह फ्री सिटी के सारे सर्वर को खुद तोड़ने लगता है, जिस कारण मोलोटोव गर्ल गेम से डिस्कनेक्ट हो जाती है और फ्री सिटी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अब गाय को मारने के लिए डूड नाम का एक NPC गेम में अपलोड किया जाता है, जो कि गाय का ही 2.0 का न्यू वर्जन है और वो फ्री सिटी 2 का करेक्टर था, जिसकी प्रोग्रामिंग अभी अधूरी थी। डूड गाय को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन गाय अपना गोगल लगाता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड से खुद को कवर करता है। फिर वह हल्का मुक्का मार के डूड को दूर फेंक देता है और एक पोर्टल खोलकर उसमें जाने लगता है। लेकिन डूड भी नौजवान तगड़ा खिलाड़ी है, वह गाय को WWE स्टाइल में धर लेता है। लेकिन फिर गाय को एक आईडी आता है और वह अपने गूगल डूड को लगा देता है। फिर डूड को गेम के रंग बिरंगे रिसोर्सेस दिखने लगते हैं और डूड उन्हें कैच करने लगता है अथवा उनके साथ ही व्यस्त हो जाता है। फिर गाय ब्रिज को पार करने लगता है, लेकिन ब्रिज भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और इसी बीच बड़ी ब्रिज के इस पार रह जाता है। उस ब्रिज के साथ बड़ी भी गायब हो जाता है, परंतु किसी तरह गाय ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और उसे असली दुनिया में सभी लोग देख रहे थे, जो उसकी जीत पर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ बौखलाया एंटोन सारे सर्वर्स को तोड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर मिली आ जाती है, जो उसे यह सब करने से रोकती है और बदले में वह कहती है कि फ्री सिटी का सारा क्रेडिट और राइट्स तुम्हारे, मुझे सिर्फ मेरे लोग मेरी बनाई दुनिया वापस चाहिए। अब यह बहुत बड़ी डील थी क्योंकि मिली ने एंटोन पर केस कर रखा था, लेकिन अब मिली पीछे हट रही थी, जिसके बाद एंटोन राजी हो जाता है और सर्वर नहीं तोड़ता। लेकिन प्रूफ दुनिया के सामने था, इसीलिए पुलिस एंटोन को गिरफ्तार कर लेती है और मिली कुछ देर बाद गेम में वापस जाती है, जहां हम देखते हैं कि अब गेम का नाम फ्री लाइफ था, जहां पर वह सभी करेक्टर खुशी खुशी अपनी लाइफ बिता सकते थे। वहां पर झरने जानवर, यहां तक कि डायनासोर और डूड भी था। फिर वह गाय से मिलती है, गाय उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रह सकती और मैं जो बोल रहा हूं शायद वह मेरी प्रोग्राम ही है, पर इस प्रोग्रामिंग को करने वाला तुम्हारी असली दुनिया में ही है। जिसके बाद मिली को समझ आ जाता है कि गाय का इशारा किस तरफ है और उसे यह भी पता चल जाता है कि कीस वही है जिसने यह सारी बातें गाय के अंदर प्रोग्राम की थी और उसकी पसंद नापसंद बिल्कुल उसी की जैसी है। मिली के दिल में कीस के लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। फिर वो कीस से मिलने जाती है और मूवी के आखिरी लम्हों में हम गाय को देखते हैं, जो कि डूड के साथ था और अपने दोस्त बड़ी को बहुत याद कर रहा होता है। लेकिन अचानक से बड़ी उसे मिल जाता है। गाय और बड़ी एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।